ये देखिए, आज मैं एकदम बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ, और उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर मैं 1 किलो पनीर ले लिया है, और शिमला मिर्च, प्याज, हरा प्याज और हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू, अदरक, और ये सब मैंने ले लिया है और सभी को मैंने काट लिया है। और मैं प्याज और शिमला मिर्च को बड़े आकार में काटा है, और प्याज की कलियां मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पर मैं एक जो पनीर है उसको पहले मैं आधे से अलग कर देती हूँ, और इसको मैं पहले आधा ही काटूँगी। तो इस तरह से मैं पहले छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेती हूँ काट के। और ये बहुत बढ़िया पनीर है, एकदम ताज़ी फ्रेश। तो इस तरह से मैं सभी पनीर को काट लेती हूँ। और ये मार्केट से लेकर आए हैं पनीर, घर में नहीं बनाया है मैंने। तो ये देखिए, मैंने इस तरह के पीसेस काट लिए हैं। तो पनीर में पूरी नहीं डालूंगी, लगभग 700 ग्राम इस चौकोर आकार के मैंने छोटे छोटे चौकोर आकार के काट लिए हैं पीसेस। तो अब यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं प्याज को, क्योंकि पहले हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को। तो ये देखिए, प्याज फ्राई हो गया है। तो अब और इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही सॉफ्ट हो जाए। तो ये इसको बस एक थाली में निकाल लिया है। और यहाँ पर शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च भी इसी तरह फ्राई करना है, उसको भी ज़्यादा नहीं पकाना है, और बस थोड़े से ही पकाने हैं, सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही पकाना है। यहाँ पर ये भी खड़े थे तो ये बना रहे हैं, अभी ये फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये भी हो गया है शिमला मिर्च। अब इसको भी निकाल लेते हैं एक थाली में। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। तो अब यहाँ पर पनीर भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि अगर पनीर ऐसे भी फ्राई की जाती है और अरारोट के साथ भी फ्राई की जाती है, लेकिन हमने ऐसे ही फ्राई कर लिया है, अरारोट के साथ नहीं फ्राई किया है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सभी पनीर को फ्राई कर लिया है, और बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं पकाया है, बस थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज हो गया है, बस इसको निकाल लेती हैं। तो अब यहाँ पर ले लिए हैं मसाले सभी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, और किचन किंग मसाला है। और यहाँ पर रेडीमेड मसाले हैं, चिली, रेड चिली सॉस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सेजवान चटनी और चिली पनीर मसाला, ये सब है। तो इसको भी इसी में ऐड करना है अभी। और अगर आपके पास रेड चिली सॉस और सेजवान चटनी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है, तो आप सिर्फ चिली पनीर मसाले और घर के मसाले से बन जाएगी। ये भी इससे भी बहुत अच्छी बनती है चिली पनीर। और घर में अगर लहसुन और अदरक है, ये कूट के डाल दें, उससे बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो इसमें डाल दिया है जो कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक कूट लिया था तो वो भी ये डाल रहे हैं, और पेस्ट भी अभी डालेंगे। तो ये देखिए, ये पक गया है। तो अब इसमें डाल देते हैं हरा प्याज। हरा प्याज से ये सब्जी का ये ग्रेवी जो बनती है, ये बहुत अच्छी लगती है। अगर है सीजन चल रहा है इस टाइम तो ये रहता है, तो इसलिए डाल देते हैं। वैसे अगर नहीं है तो ना डालो, कोई बात नहीं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये आसान से दुकान में मिल जाता है। अब जिस दुकान से घर का सामान मिलता है, आप उस दुकान से ले सकते हैं, वहाँ मिल जाता है आसानी से। तो ये देखिए, मैंने जो मसाले निकाले थे वो मसाले साथ में ऐड कर देते हैं, और सभी मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और जो ये जो मैंने घर के मसाले निकाले हैं, तो ये छोटा चम्मच था, तो उसी चम्मच से मैं आधा आधा चम्मच सभी मसाले निकाल लिए हैं। और यहाँ पर डाल देते हैं चिली पनीर मसाला, और इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसको अच्छे से सभी चीज़ों के साथ, मसालों के साथ इस तरह से अच्छे से मिक्स करके पका लेते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा भी पानी इसमें मिलाएंगे, क्योंकि ये नहीं
चिपक जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर केचप। तो यहाँ पर ये जो सब्जी है ये थोड़ी ज़्यादा बन रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाला है टमाटर केचप। तो आप जिस हिसाब से बनाइए उस हिसाब से अब मसाले और सॉस डालिए। तो यहाँ पर डाल देते हैं अब चिली सॉस। तो अभी सॉस को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे अभी। और इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दिया है रेड चिली सॉस, और ये तीखी होती है इसलिए थोड़ा सा ही डाला है। और यहाँ पर डाल देते हैं सेजवान चटनी, और इसको मैंने मिला दिया है। अब इसमें डाल देते हैं सोया सॉस। तो इस तरीके से ये सब्जी बन के तैयार होगी। और ये देखिए सोया सॉस इसमें डाल देते हैं। इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल दिया है। और इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच विनेगर, क्योंकि विनेगर ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें अभी एक नींबू का रस है, ये डालना है। ये डाल दिया है नींबू का रस। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिला देती हूँ सभी चीज़ों को। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है। और इसमें डाल दिया है एक चम्मच के करीब अजीनोमोटो। तो इसको भी मैं मिला देती हूँ। तो ये भी थे, तो ये सब चीज़ें इसमें डाल रहे हैं। तो मैं सभी चीज़ों को मिलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये सब ग्रेवी बन के तैयार हो गई। इसमें अब डाल देते हैं पानी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर पानी भी डाल दिया। इसको मैं बहुत पतला नहीं करूँगी, इसको गाढ़ा ही रखूँगी। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा ही पानी डाला है। अगर कम लगेगा मुझे तो मैं और डाल देती हूँ बाद में, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालूँगी, नहीं नहीं डालूँगी। तो ये देखिए ये बन के रेडी हो गई है, ग्रेवी पक गई है। तो इसमें अब डाल दिया है जो प्याज और शिमला मिर्च फ्राई किया हुआ। तो ये देखिए इसको मैंने तिरछा करके रख दिया था, तो इसका तेल निकल गया है। तो इसमें तेल नहीं है, तो इसको सभी को मैं ऐड कर देती हूँ इसी में। और ये देखिए इतना सारा तेल निकला है इससे। तो अब सब चीज़ों को मिलाते हुए मैं अच्छे से पका लेती हूँ। और इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है इसको, नहीं तो ये चिपक जाएगी। तो ये देखिए इससे ये अच्छे से पकने लगी है। तो मैं इसको इस तरह से थोड़ी देर और पकाऊंगी अभी। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पनीर। तो यहाँ पर मैंने जो पनीर मैंने फ्राई की थी वो पनीर मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से चिली पनीर सब्जी बन के तैयार हो रही है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मेरे पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, और ये बहुत अच्छी चिली पनीर बन के तैयार होती है। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। इसको हाथ से मसल के डालो तो ज़्यादा सही रहता है, तो इसलिए हाथ से मसल के डालते हैं। और इसमें ये जो मैंने हरा धनिया पत्ता काटा था तो वो डाल देते हैं। अब ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आप भी बना के खाइए, और उंगलियां चाटते रहेंगे अगर इस तरह से बना के खाएंगे तो। इस तरह से हम लोग बनाते हैं चिल्ली पनीर, और इसी तरीके से बना के खाइए आप लोग भी। मैंने एक एक चीज़ इसमें इस वीडियो में शेयर की है। तो एक बार मेरे बताए अनुसार इस तरीके से आप भी बना के खाइएगा ज़रूर, और बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से। और यहाँ पर अरारोट घोल के मैंने रख दिया था, इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, जितना ज़रूरत है उतना थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती हूँ इसमें। तो ये देखिए इसको डालने से ये गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी। तो ये देखिए पूरी अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ चलाते हुए। तो ये अब सब्ज़ी बनके पूरी तरह से परफेक्ट हो गई है। और थोड़ी सी जो मैंने पनीर इसमें कद्दूकस करके डाल दी है बाद में, और उसका वीडियो मैंने नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। और इस तरीके से आप भी बना के खाइए, और मेरे वीडियो को
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये देखिए, मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ और ये सब्जी बनके पूरी तरह से तैयार है। और मैं इसको प्लेट में निकाल के सजा देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने हरा प्याज और हरी धनिया पत्ती डाल दी है। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं प्लेटिंग कर देती हूँ और ये कितने अच्छे से इसकी प्लेटिंग हो रही है। और इस तरह से आप भी बना के खाइए, बहुत अच्छी बनती है सब्जी। और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।